यानी कि डेमोक्रेसी के बुनियादी असूल क्या है डेमोक्रेसी के अहम उस क्या है पहला कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन यानी कि इज्तमाही फैसला साजी मिल के फैसला लेना द मेन फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दीपल है पावर टू एलेक्ट दियर लीडर यानि की जमहूरत में लोगों को यही बुनियादी असूल है कि वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने रहनुमा अपने मुंत किए गए लीडर को चुनते हैं सो इन सेंस डेमोक्रेसी by the people। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जमहूरियत को लोग चलाते हैं डिसीजन आर मेड कोलेक्टिवलीबेट एंड यानी कि फैसले इजतमाही तौर पर बहस व मुबासे और मशात के बेद किए जाते हैं मशात के बेद, मशवरे के बेद लिए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजली एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़। यानी कि हमारे वक्त की ये जमहूरियतें इन्हें मंतखब की हुई जमहूरतें हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ ए डेमोक्रेसी इन विच पीपल डू नाट पार्टिसपेट डायरेक्टली बट चूज़ देर रिप्रेजेंटेटिवज़ थ्रू एंड एलेक्टोरल प्रोसेस दीज रिप्रजेंटेट कोलेक्टिवली टिजनज फॉर द एन्टायर कंट्री यानी कि नुमाइंदा जमहूरीत कायम मुकाम जमहूरीत एक ऐसी जमहूरीत है जिसमें लोग बर रास्त शिरकत नहीं करते बल्कि अपने नुमाइंदे का इंतख्य एक एलेक्शन के जरिए करते हैं एक एलेक्शन प्रोसेस के जरिए करते हैं यानी कि वोटिंग के जरिए करते हैं और बाद में जिन नुमाइंदों को पावर हासिल होता है वोटिंग के जरिए ताकत हासिल होती है फिर वो मिलके लोगों से मशवरा करके लोगों की राय जानते हैं और फिर पूरे मुल्क के लिए कवानी बनाते हैं इसके बाद प्यारे बच्चों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू एक्सप्रेस वन चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज यानी कि अपनी ख्वाहिश को अपने वोट के जरिए जाहिर करना उसे फ्रेंचाइज कहते हैं

यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज के दौर में तब तक एक हुकूमत अपने आप को जमहूरी नहीं कह सकती जब तक वो अपने शहरीों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का हक न दे दे जब तक वो अपने बालग शहरीों को वोट का हक न दे दे तब तक वो अपने आप को जमहूरी नहीं कह सकती या जमहूरीत नहीं कह सकती या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकती यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन ऑल द एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही मतलब है कि मुल्क में जितने भी बाल हैं उन्हें वोट का हक हासिल होता है अब आप पेज नंबर टू थर्टी पे आइए इन द दर्लिएस्ट टाइम्स वुमेन पुअर एंड अनएजुकेटेड We are not allowed to vote. अगर हम पहले पहले की बात करेंगे तो औरतों को गरीबों को और अनपढ़ लोगों को वोट का हक हासिल नहीं था Only men who were educated and having property could vote। कुनि कि सिर्फ पढ़े लिखे मर्द और जिनके पास दौलत हुआ करती थी उन्हीं को वोट का हक हासिल था सिर्फ मर्दों को वो भी अमीर और पढ़े लिखे दंट्री वॉज यानि कि मुल्क को उन व के तहत चलाया जाता था जो उन चंद अफ़राद ने बनाए थे यानि कि जो मनार्कीज ने बनाए थे डिक्टेटर्स ने कवान बनाए थे उसी के तहत पूरे मुल्क को चलाया जाता था जो कि एक ना इंसाफी थी बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ऑल्सो ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट हिंदुस्तान में आजादी से पहले हिंदुस्तान में कुछ छोटे से सेक्शन को वोटिंग के लिए एलो किया गया यानी कि जो यहां पे बर्तानिया थे ना ब्रिटिश वाले थे ना उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को वोटिंग का हक दिया था गांधी जी एंड अनफेयर प्रैक्टिस एंड डिमांडेड द राइट वोट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन तो जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे यानी कि गांधी जी और बहुत सारे लोग तो उन्होंने इसे एक गैर अमल करार दिया और ये किया कि हर बालग को वोट का हक मिलना चाहिए हर शहरी को जो बाल है उसे वोट का हक होना चाहिए दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इसे क्या कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हुकूमत के इंतब में बरह रास्त शिरकत की सबसे मकबूल शक्ल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन वन परसेंट वन वोट एंड इट एनेबल एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट इट एंश्योर पोलिटिकल इक्वलिटी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक शख्स एक वोट पर मबनी है और ये हर बाल शहरी को वोट देने के काबिल बनाती है और साथ में ये सियासी मसावत को यकीनी बनाती है इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया इज अ लार्ज कंट्री इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड सेवन यूनियन टेरिटरीज अगर हम आज के दौर की बात करेंगे हमारा मुल्क तो सबसे बड़ा मुल्क है और इसके पास 28 रियासतें भी है लेकिन जो यूटीज है ना वो नाइन थी लेकिन अब आठ है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गई है और लद्दाख भी यूटी बन गई है वो जो दमन एंड दीव दादलाइन नगर हवेली थी उसे एक बनाया गया है तो इससे पहले यूटीज कितनी थी सात यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख बनाई गई कितनी हो गई नौ तो नौ में से जो दमन एंड दीव एंड दादलाइन नगर हवेली थी उसे एक बनाया गया उसे मर्ज किया गया यानी कि मिलाया गया उसे एक बनाया गया तो अब कितनी यूटीज रही आठ इन ऑर्डर टू गवर्न द एंटायर कंट्री एफिशेंटली दौरमेंट वर्कज एट डिफरेंट लेवल यानि कि पूरे मुल्क पे मौसर तरीके से हुत चलाने के लिए हुकूमत मुख्तलफ सतहों पर काम करती है क्या क्या नेशनल लेवल स्टेट लेवल लोकल लेवल तो नेशनल लेवल की बात करते हैं द दौरमेंट एट द नेशनल लेवल इज नोन एज द नेशनल गोरमेंट यानी कि जो कौमी सत्ता पे सरकार या हुकूमत काम करती है उसे कौमी सरकार कहते हैं या कौमी हुकूमत केहते हैं नेशनल लेवल इज द हाइस्ट लेवल ऑफ गोरमेंट ये सबसे आला सत्ता वाली हुकूमत होती है इट रिलेट्स विद द इश्यूज ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक नेशनल सिक्योरिटी फाइनेंस रेलवे एक्सटर्नल अफेयर्स एक्स्ट्रा यानि की ये कौम के किन मसलों से वापस्तगी रखती है उनमें क्या क्या आता है उनमें नेशनल सिक्योरिटी आती है यानी की उसमें डिफेंस आती है करेंसी आती है रेलवे आता है फॉरेन अफेयर आते हैं वगैरह वगेरा स्टेट लेवल स्टेट लेवल मीन द लेवल व्हिच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम यानी कि रियासती सतह पे जो हुकूमत काम करे बल्कि जो रियासत के लिए काम करे जस्ट लाइक हरियाणा के लिए या आसाम के लिए ये स्टेट्स है ना ये रियासतें हैं ना तो इस सतह पे चीफ मिनिस्टर काम करता है तो इसे क्या कहते हैं उसे स्टेट लेवल गोरमेंट कहते हैं द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। और रियाती सतह पे जो सरकार जो हुकूमत काम करती है उसे रियाती सरकार कहते हैं या रियाती हुकूमत कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट इसे पूरी स्टेट का पूरी रियासत का ध्यान देना होता है ध्यान रखना होता है इट कैटर्स इशूज रिलेटेड टू द एंटायर स्टेट फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन एलेक्ट्रिकटी रोड एक्स्ट्रा यानि कि इसे किन मसलों को हल करना पड़ता है जैसे कि एजुकेशन तालीम एक्ट्रिकटी सड़क पानी वगैरह वगैरह लोकल लेवल द गवर्नमेंट इन ए विलेज यानी कि पंचायत लेवल पे सरपंच मकदम एक्स्ट्रा टाउन और लोकल्टी इज़ नून एज लोकल गंट यानी कि वो गोरमेंट वो हुकूमत जो गाँव में पाई जाए शहर में पाई जाए या कस्बे में पाई जाए उसे लोकल गमेंट कहते हैं लोकल गमेंट मीन द गमेंट ऑफ और विलेज यानी कि लोकल गोर्मेंट को हम क्या कहते हैं गाँव की सरकार या शहर की सरकार या कस्बे की सरकार गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद लोकल प्रॉब्लम्स बाय विदल पीपल यानी कि लोगों को जो रोजमरह की प्रॉब्लम होती हैं शिकायत होती है वो लोकल लेवल्स पे ही हल होती है इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज एंड दरमेंट गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर एवरीवन वन इन फॉर्म ऑफ लॉज यानी कि सरकार हुकूमत सब लिए एक ही कानून बनाती है ताकि वो शहरी के हकूक को बचा सके उनकी पामाली न हो इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो दीज रूल ये हर एक शहरी का हक बनता है फर्ज बनता है कि वो इन ड्यूटीज की इन कवायदों की रहनुमाई करे इफ द लॉज मेड बाई आर वायलेटेड अगर हुकूमत के या सरकार के बनाए हुए कानूनों की खिलाफ वर्जी होगी तब सरकार क्या करती है वो ऐसे इकदाम उठाती है जिनसे मुजरिमों को सजा दी जाती है जिनसे कल्प्रिट्स को सजा दी जाती है पीपल कैन आल्सो द लॉज पासड गवर्नमेंट यानी कि हमारे संविधान में ये भी है आर्टिकल थर्टी टू भी है जो शहरियों को ये हक देता है कि वो भी गोरमेंट के खिलाफ जा सकते हैं वो भी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं अगर सरकार कोई गलत कानून पास करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा तो वो भी अदालतों में गवर्नमेंट के लॉज को चैलेंज कर सकते हैं गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पॉसिबल द सिटीजंस आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एक अच्छी जमहूरी सरकार तब ही मुमकिन है जब उसके शहरी अपने से अपने फरजों से बाखबर हो इफ दे है प्रॉब्लम दे केजन अगर उन्हें मुल्क के बारे में अच्छी जानकारी हो पूरी जानकारी हो कि उनके मुल्क में क्या चल रहा है क्या हो रहा है तभी वो अच्छी डिसीजन अच्छी राय ले सकते हैं और अपने मुल्क को दलदल से प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं ए विनिंग स्टोरी। हैड मूमेंट फाइट फॉर है राइट टू वोट कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो औरतें थी उन्होंने अपने वोट के हक के लिए किस तरह से लगा वो कहानी भी आप सुनिए वुमेन हैमेकर यानी कि औरत को घर बनाने वाली समझा जाता था या किचन की रखवाली समझा जाता था पीपुल हु डिड नॉट वॉन्ट वुमेन टू वोट आर्ग्यू दैट दे नीड नॉट है वोटिंग राइट्स एज दे डिड नॉट पे टैक्सेस और फाइट वर्स जो लोग कहते थे कि औरतों को वोट का हक हासिल नहीं होना चाहते थे तो वो क्या कहते थे वो कहते थे कि औरतें जो हैं वो टैक्स अदा नहीं करती है और वो जंगों में हिस्सा नहीं लेती है मोर एवर इन दियर व्यू पॉलिटिक्स वॉज नॉट फेमिनाइन एट्रीब्यूट मज़ीद उनकी नज़र में ये राय थी कि औरतों के लिए सियासत नहीं बनी है और सियासत औरतों की चीज नहीं है In the USA and Britain, the suffragette movement was started by a group of women in the middle of the 19th century to fight against the injustice of not being allowed to vote. यानि कि कहता है कि अमेरिका और ब्रिटेन में हक़राय दही तहरीक स्टार्ट हुई, जिसे किसने स्टार्ट किया? औरतों के एक ग्रूह ने यानी कि 1850 के बीच में किस लिए क्योंकि जो उनके साथ ना इंसाफी हो रही थी जो उन्हें वोट का हक नहीं दिया जा रहा था वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की एंड इवन चेन सेल्सिंग ऑन द स्ट्रीट पब्लिक अटेंशन आवाम की तवज़ा अपनी तरफ مرکوز करने के लिए अपनी तरफ हासिल करने के लिए उन्होंने सरकों पर अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया मेनी ऑफ देम हैड टू गो टू प्रिजन बहुत सारी औरतें इस तहरीक के दौरान जेल भी चली गई इट वाज ओनली आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल दैट देयर डिमांड्स वर मेट एंड दे वेर अलाउड टू वोट ये इन्हीं सालों की जदोजहेद का नतीजा था जिनकी वजह से उनके मुतालबात को माना गया और उन्हें वोट का हक दिया गया 1918 ब्रिटेन अलाउड वोट ओनली इफ देवियर ओवर थर्टी इयर्स एंड ओवन प्रॉपर्टी तो 1918 में ब्रिटेन ने बरतानिया ने यह ऐलान किया कि उन्हीं औरतों को वोट का हक हासिल है जो तीस साल की उम्र की हो और जिनके पास प्रॉपर्टी हो द यू एस एंड फ्रांस फॉलोटी ट्वेंटी रेस्पेक्टिवली यू एस ए ने उन्नीस सौ अट्ठाईस में औरतों को वोट का हक दिया और फ्रांस ने उन्नीस सौ पैतालीस में औरतों को वोट का हक दिया हाउ एवर इंडिया रिकॉगनाइज द इम्पोटेंस दूमेन एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन नाइनटीन कंट्री इन 1952 आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट्रेंचाइज लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे अपने हिंदुस्तान की अपने इंडिया की बात करेंगे तो आज़ादी के मिलने के बाद ही यानी कि जब हमारे यहाँ पहली बार एलेक्शन हुए आज़ादी के पाँच साल बाद जब हमारे यहाँ पहली बार इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह पहले ही वाजिया किया था कि अनपढ़ों को भी वोट का हक़ हासिल है पढ़े लिखों को भी वोट का हक हासिल है औरतों को, को भी वोट का हक हासिल है लेकिन वोटिंग एज हमारे यहाँ इक्कीस साल थी उस वक्त, लेकिन बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई कि सिक्सटी फर्स्ट एमेंडमेंट इन द ईयर 1988, उसमें वोटिंग एज इक्कीस से लेकर अठारह की गई प्यारे बच्चों अगर हम ये बात करेंगे कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे औरतों को सबसे पहले वोट का हक दिया गया तो वो कौन थी क्या आप कह सकते हो तो वो सबसे पहला मुल्क जो था जिसने औरतों को सबसे पहले वोटिंग राइट का हक दिया वो न्यूजीलैंड था जिसने अठारह में औरतों को ये हक दिया और बाद में किसने दिया ऑस्ट्रेलिया ने कब 1902 में तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने आपके स्विक्स का तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट किया मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको कहीं पे समझना आया होगा या आपका कोई सवाल बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए वहां पे कमेंट कीजिए कमेंट नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और एक बात तीन दिन के लिए आप कोई लेक्चर नहीं आएगा जब तक आप इस चैप्टर के सवाल अपनी कॉपी पे साफ साफ नहीं लिखोगे बाकी वसलाम, असल वरहमत लल्ला वर्काता फियामान्ल